जंगली भैंसों का एक झुंड जंगल में घूम रहा था। तभी एक बछड़े ने पूछा, पिताजी, इस जंगल में कोई ऐसी चीज है जिससे डरने की जरूरत है? बस शेरों से सावधान रहना, भैंसा बोला। हाँ, मैंने भी सुना है कि शेर बड़े खतरनाक होते हैं। अगर कभी मुझे शेर दिखा तो मैं जितना हो सके उतना तेजी से दौड़ता हुआ भाग जाऊंगा। बछड़ा बोला, नहीं, इससे बुरा तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते, भैंसा बोला। बछड़े को ये बात कुछ अजीब लगी। वह बोला, क्यों, वे खतरनाक होते हैं, मुझे मार सकते हैं, तो भला मैं भाग कर अपनी जान क्यों ना बचाऊं? भैंसा भागने लगा। अगर तुम भागोगे तो शेर तुम्हारा पीछा करेगा, भागते समय वे तुम्हारे पीठ पर आसानी से हमला कर सकते हैं और तुम्हें नीचे गिरा सकते हैं, और एक बार तुम गिर गए तो मौत पक्की है। तो ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, बछड़े ने घबराहट में पूछा। अगर तुम कभी भी शेर को देखो तो अपनी जगह डट कर खड़े हो जाओ और ये दिखाओ कि तुम जरा भी डरे हुए नहीं हो। अगर वो ना जाए तो उसे अपनी तेजी सींगे दिखाओ और खुरों को जमीन पर पटको। अगर तब भी शेर ना जाए तो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ो और अंत में तेजी से अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर हमला कर दो। भैंसे ने गंभीरता से समझाया, ये तो पागलपन है, ऐसा करने में बहुत खतरा है। अगर शेर ने पलट कर मुझ पर हमला कर दिया तो? बछड़ा नाराज होते हुए बोला, बेटे, अपने चारों तरफ देखो, क्या दिखाई देता है? भैंसे ने कहा। बछड़ा घूम घूम कर देखने लगा। उसके चारों तरफ ताकतवर भैंसों का बड़ा सा झुंड था। अगर कभी भी तुम्हें डर लगे तो ये याद रखो कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम मुसीबत का सामना करने की बजाय भाग खड़े होते हो तो हम तुम्हें नहीं बचा पाएंगे, लेकिन अगर तुम साहस दिखाते हो और मुसीबत से लड़ते हो तो हम सब मदद के लिए ठीक तुम्हारे पीछे खड़े होंगे। बछड़े ने गहरी सांस ली और अपने पिता को इस सीख के लिए धन्यवाद दिया। हम सभी की जिंदगी में शेर है, कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनसे हम डरते हैं, जो हमें भगाने पर, हार मानने पर मजबूर करना चाहती हैं, लेकिन अगर हम भागते हैं तो ये हमारा पीछा करती हैं और हमारा जीना मुश्किल कर देती हैं। इसीलिए उन मुसीबतों का सामना करिए, उन्हें दिखाइए कि आप उनसे डरते नहीं हैं, दिखाइए कि आप सचमुच कितने ताकतवर हैं, और पूरे एहसास और हिम्मत के साथ उल्टा उनकी तरफ टूट पड़िए। और आप जब ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके परिवार और दोस्त पूरी ताकत से आपके पीछे खड़े हैं।